सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सबका एक चीज़ का मैं कमेंट देख रहा था कि आप लोग का क्या होता है कि आप जब यूट्यूब वीडियो को बना लेते हो, बना लेने के बाद जब उसको एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो यूट्यूब वीडियो का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और कहीं ऐसे जगह है जहाँ पर जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक कि मेरे यहाँ भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पर अगर आपका ज़्यादा MB का वीडियो बन जाएगा अगर एक्सपोर्ट होने के बाद, तो आपको अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो छोटा सा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आप सबका कमेंट्स देखने के बाद मैंने ये सोचा कि ये बताना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काइन मास्टर पे जब आप वीडियो को एडिट कर लेते हो, एडिट करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करने के टाइम रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, किस में होना चाहिए, HD में होना चाहिए, फ्रेम रेट क्या होना चाहिए, बिट रेट क्या होना चाहिए, सारा सेटिंग मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं अपने फ़ोन से, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने वीडियोज़ को कैसे एक्सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली अभी कुछ दिनों से, पिछले बहुत दिनों से मैं फ़ोन से ही वीडियो शूट करता हूँ। ये भी फ़ोन से ही वीडियो शूट हो रहा है, वन प्लस के फ़ोन से मैं वीडियो को शूट करता हूँ, और ये रहा मेरा वायरलेस वाला माइक। तो फ़ोन से मुझे वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्विकली काम हो जाता है। फ़ोन से मैं शूट कर लेता हूँ, तुरंत से एडिट कर लेता हूँ, तुरंत से अपलोड कर देता हूँ, समय ज़्यादा लगता नहीं है। और कैमरा से करने से क्या होता है, कैमरा से एडिट करो, फिर उसको फिल्मोरा में, लैपटॉप में डालो, फिर एडिट करो, फिर उसको एक्सपोर्ट करो, फिर फ़ोन से लो, फिर अपलोड करो, मुझे बहुत ज़्यादा झमेला टाइप का लगता है। फ़ोन में मुझे बहुत जल्दी काम हो जाता है इसलिए मैं बना लेता हूँ। ऊपर से मुझे इतने दिनों से यूट्यूब के एक्सपीरियंस के साथ मुझे यही समझ में आया कि क्वालिटी जो है मैटर करता है। मैं मानता हूँ क्वालिटी मैटर करता है, लेकिन उतना अभी मैटर नहीं करता है, बस ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे मैं अभी जिस क्वालिटी का वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो क्वालिटी कोई ख़राब नहीं है, ये भी 1080p में ही वीडियो शूट हो रहा है। और आप लोग भी बताना कि मेरा क्या वीडियो क्वालिटी ख़राब है, ऐसा तो नहीं है, कैमरा से बनाने से और बेटर हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से, चलिए छोटा सा वीडियो है, सेटिंग पूरा दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसा सेटिंग रखना है जिससे आपका MB भी कम बनेगा, प्लस आपके वीडियो का क्वालिटी भी 1080p में रहेगा, मतलब क्वालिटी भी डाउन नहीं होगा और आपका MB भी बहुत बचेगा, कम साइज का वीडियो बनेगा, अपलोड भी जल्दी होगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए यार एक लाइक बनता है वीडियो को। और चैनल पर नए हो चैनल पर, तो यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करना, सारे बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही हैशटैग सक्सेस वाला जो मैंने चैनल बनाया है नया, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलेंगे, मैं अपने चलूंगा फ़ोन की स्क्रीन पर, और फ़ोन पर मैं अपना फ़ोन का स्क्रीन दिखा करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं क्या क्या सेटिंग रखता हूँ, और आपको भी ऐसा ही रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो ये है मेरा वन प्लस वाला फ़ोन जिस पे मैं अपने वीडियोस को बनाता हूँ और एडिट भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखिए पूरा सेटिंग में दिखाता हूँ। तो आपको जाना है काइन मास्टर पर, मैं चलता हूँ काइन मास्टर पर। जाने के बाद देखिए, जब आप इस तरह से वीडियो शूट शुरू करते हो, चलिए मैं यहाँ पर फ़ोन का अपना रख लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्लियर एकदम। तो गाइज़ ये देखिए, ये है पूरा मेरा फ़ोन। तो यहाँ से देखिए, जब भी आप वीडियो को बनाओगे तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाते हो, 16:9 रेशियो में आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ से कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, लाइक ओपन कैमरा में मेरे ढेर सारे वीडियोज़ हैं तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए, मैं इसके एक्सपोर्ट सेटिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो है मेरा, मैंने इसको एडिट करके डाला हुआ है पहले यूट्यूब पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट होने से पहले तो आपको सेटिंग में जाना है, और ये जो फेड आउट वाला सेटिंग है, ऑडियो फेड आउट, इसको आपको ऑफ कर देना है। नहीं तो क्या होगा कि लास्ट में जब आप एंड करोगे वीडियो पे, तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको फेड आउट को तो ऑफ ही कर देना है, प्लस इसको ओके करना है। सारा सेटिंग ही दिखा दे रहा हूँ। और ये देखिए, एक्सपोर्ट में मैं जब जाऊँगा तो देखिए आपके फ़ोन पे जो है इस तरह से ये सारा सेटिंग आता है। जैसे ये है गया, ये फ्रेम रेट हो गया, रेजुलेशन हो गया, और बिट रेट हो गया। तो ये तीनों का सेटिंग मैं बताता हूँ क्या क्या आपको रखना है, जिससे आपका क्वालिटी भी अच्छा बनेगा प्लस MB भी कम बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात आपको करना है अपने वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट, ठीक है, फुल HD 1080p में। QHD भी नहीं करना है, 4K में भी नहीं करना है, फुल HD करना है 1080p। ये होगा आपका पहला सेटिंग। सेकंड सेटिंग अब आता है फ्रेम रेट में। फ्रेम रेट में आपको जो है, आपका फ़ोन में हो सकता है बाई डिफॉल्ट 25 पे रखा होगा, आपको 30 पे करना है। 30 फ्रेम रेट पे आपको वीडियो को करना है एक्सपोर्ट प्लस फुल HD 1080p। ये दो सेटिंग हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सेटिंग आता है बिट रेट। तो ये बिट रेट देखिए, पर MBPS वाला बिट रेट होता है। तो ये जो है आपके बेस्ट क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, वीडियो रेजुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए, जैसे आप वीडियो रेजुलेशन या घटाओगे तो बिट रेट भी घट जाएगा। देखिए 3.93 हो गया, 1080p में जा रहा हूँ तो 7.22 MB हो रहा है। तो आपको फुल HD 1080p में रखना है, प्लस 30 फ्रेम रेट में रखना है, और बिट रेट को आपको रखना है 10 MBPS, ठीक है। इस वाले बिट रेट को रखना है 10 MBPS पे, मतलब थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन 10 पे मान के चलिए, 10.04, ये सेटिंग आपके होना चाहिए। अभी देखिए, मेरा 8.5 मिनट का वीडियो है फुल HD में, ये जो है मैं इसको अगर एक्सपोर्ट करूँगा तो 643 MB का मात्र ये जो है बनेगा। तो मैं दोस्तों अपने वीडियोज को इसी सेटिंग से एक्सपोर्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, जो कि मैंने दिखा दिया। ये सारा, ये तीन चीज़ आपको जो है मेन होता है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आज के ये वीडियो से आप लोगों को सारा सेटिंग समझ में आ गया है। अब से आप लोग ये कमेंट नहीं करोगे और आप लोगों को सीखने को कुछ नया कुछ मिला है। तो वीडियो अगर प्लीज़ यार पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो ये सब्सक्राइब करना, सारे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हैशटैग सक्सेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।